Hello guys, welcome to my channel. My name is Arjun Espawar. Guys, हम लोगों ने नंबर सिस्टम के दो लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि यदि टू रेशन नंबर के बिटवीन वन रेशन नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, और यदि हमें टू रेशन नंबर के बिटवीन मोर देन वन रेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या हमारा प्रोसीजर था। उसमें हम लोगों ने दोनों पैटर्न में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना सीख लिया है। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट कि नंबर क्या होता है और डिजिट्स क्या होती है, उसके काइंड्स क्या आते हैं। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबरों को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, उसको हम सीखने वाले हैं। देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है, मेथड टू लोकेट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी मुझे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है, ठीक है ना। तो उसका क्या मेथड है लोकेट करने का इरेशनल नंबर को, किसको, इरेशनल नंबर को, ठीक है। याद दिला देता हूं मैं आपको, इरेशनल नंबर मैंने वे नंबर बताए थे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, और रूट्स में जितने भी नंबर्स आते हैं जिनका पेयर बाहर नहीं निकल सकता, रूट्स में जिनका पेयर बाहर नहीं निकल सकता, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, इनके पेयर कभी भी बाहर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इस तरह के नंबर्स को आप क्या बोलते हैं गाइस, इस तरह के नंबर बोलते हैं आप लोग इरेशनल नंबर्स। तो आइए समझते हैं इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसके मेथड है, मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को समझा देता हूँ, फिर इसके एग्जांपल की हेल्प से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या स्टेप है, पहले इस पॉइंट को समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। देखिए लिखा क्या इसने, वी कैन एक्सप्लेन हाउ टू लोकेट सम ऑफ इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म रूट एक्स, वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। इट मीन्स रूट एक्स मतलब एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रूट के अंदर एक्स टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सेवन भी हो सकता है, नाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, फोर भी हो सकता है। ये टेंशन मत लेना कि रूट फोर में इरेशन नहीं हुआ है, हाँ मैं मानता हूँ कि रूट फोर इरेशन नहीं होगी क्योंकि उसका पेयर बाहर आ जाएगा। तो टू को तो फिर आप नॉर्मली रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर हमें करने की इनको इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। चलो सीखते हैं इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले राइट द गिवन नंबर विदाउट रूट, यानी आपको जो भी नंबर दिया गया हो, जैसे रूट फाइव दिया गया, तो सबसे पहले आप रूट से फ्री करेंगे, किससे फ्री करेंगे, रूट से फ्री करेंगे, एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, और फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी दो नंबर लेंगे और उनके स्क्वायर के सम में उसे ब्रेक करेंगे। कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर्स आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करेंगे वे नंबर सेलेक्ट करना जिनका स्क्वायर्स करके और उसका सम कर दिया जाए वही नंबर आपको मिल जाए जो विदाउट रूट में आपने लिखा हुआ है। जैसे रूट फाइव है, रूट टू है, रूट थ्री है, आप इनको ऐसे डिजाइन करेंगे कि उन दो नंबरों का स्क्वायर करके, और स्क्वायर करके क्या कर देना उसका सम, तो वही नंबर आ जाना चाहिए जो आपने आपसे उसने पूछा था, ठीक है ना। उस दो नंबर को बोल दिया उसने ए और बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर बता रहा है कि भाई वेयर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी होनी चाहिए, ये इसने यहाँ एक्सप्लेन किया है। कोई भी तो आप दो नंबर लेंगे उसमें ए भी लेंगे, ए उसने बताया ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए बी से, ओके। दूसरा पॉइंट, स्टेप टू, टेक द लेंथ इक्वल टू द दीज टू नेचुरल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ए ऑन द नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल एंड बी वर्टिकल सच दैट परपेंडिकुलर इज टू अदर। इट मीन समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। आपको कोई दो नंबर लेने थे जिसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होता है। ये देखिए नेचुरल नंबर्स कहीं कहीं तो वैल्यूएबल है, ये जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर्स ही हो, पर मोस्टली ज्यादातर हम नेचुरल नंबर्स लेके चलते हैं। पर जैसे और कंडीशन आएगी, एग्जाम्पल्स आएंगे, उनको मैं बताऊंगा, अभी एजप्शन भी होते हैं कुछ चीजें, ठीक है ना, वहां भी मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी से नेचुरल नंबर्स लेके चलेंगे। उसने कहा दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं, जिसमें जो उसने कहा कि जो ए होंगे वो तो बनेगा हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइन पर, और जो बी लेना है वो लेना है वर्टिकल लाइन पर, ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में हमने सीखा कि जो नंबर हमें दिया गया है उसे पहले रूट से फ्री करेंगे, फिर उसमें हम दो नंबरों का स्क्वायर्स का सम उसी के इक्वल लाएंगे,
फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है यहाँ पर इसी में ही स्टेप टू में कि भाई जो भी आप लेंगे उसमें जो ए आएगा उसे तो हमें हॉरिजॉन्टल और जो बी आएगा उसे हमें वर्टिकल लेना। अब ये दो नंबर कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्टेप फोर्थ क्या कहता है, फिर टेकिंग ओ एज द सेंटर एंड ओ बी रेडियस ड्रॉ एन आर टू रिप्रेजेंट रिक्वायर इरेशन नंबर्स। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि आपको ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करना है, फिर ओ से बी तक की रेडियस लेकर उसमें क्या करना है, एक आर्क लगाना है, वही रिप्रेजेंट करेगी इरेशनल नंबर्स को। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी, एग्जाम्पल में समझ में आएगी कि है क्या चीज ये, ओके। तो ये तीन पॉइंट बेसिकली स्टेप तीन ये इंपॉर्टेंट थे फिलहाल अभी आपको समझते। स्टेप नंबर फोर्थ को जब मैं आपको एग्जाम्पल के बिहाफ से समझाऊंगा कि ये फोर्थ क्या कहना चाह रहा है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, मैंने कहा लोकेट करो रूट 13 को। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे पहले आप, ध्यान देना। मैं जो आपको स्टेप लिखवाया है उसके बारे में सारा डिस्कशन करूंगा मैं आपसे। रूट 13 को मुझे लोकेट करना है नंबर लाइन पर, तो मैं कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले मुझे रूट 13 को, पहला स्टेप मेरा ये था स्टेप नंबर फर्स्ट कि भाई मुझे रूट 13 को पहले रूट से फ्री करना है, विदाउट रूट लिखना, और 13 को मुझे ऐसे डिजाइन करना है दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम में। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए जिस चीज को लेकर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे कैसे करेंगे ये चीज ध्यान देना। 13 को दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम में करना है, कैसे, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर तो होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 प्लस 9 आई होप कितना होता है 13। तो दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम में लिया मैंने, जिसको मैंने यहाँ पे तो कॉल किया क्योंकि आपको पता है कि a हमेशा बड़ी वैल्यू होती है तो उसे a कॉल करेंगे, b हमेशा स्मॉल वैल्यू होती है इसे b कॉल करेंगे। तो 13 को हमने a और b की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, जहां पर आप बताएंगे कि जो भाई a वैल्यू है वो तो है 3 और जो b वैल्यू है वो कितनी आपके पास 2। तो आई होप आपने ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ लिया जहां पे a की वैल्यू ग्रेटर देन b है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मैंने स्टेप फर्स्ट लिखा था, देखिए क्या लिखा था स्टेप फर्स्ट, राइट द गिवन नंबर विदाउट रूट, विदाउट रूट लिखा नंबर को सबसे पहले हमने। उसके बाद हमने क्या किया, एज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इसे बिना रूट के लिखा, और फिर हमने इसको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों के स्क्वायर के सम में से ब्रेक कर दिया दो नंबर ए और बी लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कहा स्टेप सेकंड में, अब बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड ये कहता है आपको कि भाई ए जो है आप बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, ए बना दे मैंने पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल, जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पे ओ और इसको नेम दिया मैंने यहाँ पे ए, ठीक है। और बी बनाएंगे वर्टिकल, वर्टिकल कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप, सबसे पहले क्या बनाएंगे एक 90 डिग्री का एंगल, उसमें 2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे, समझ में आ गई बात, ये बन गया आपके पास बी पॉइंट, समझ में आ गया तब बातें, ये नहीं आई है, ठीक है। तो पहले 3 सेंटीमीटर का, भाई 3 में बोल रहा हूँ 3 सेंटीमीटर ले लेना या 3 मीटर ले लेना, एज योर चॉइस, ये सेंटीमीटर में भी ले सकते हो मीटर में, ये रिप्रेजेंट नहीं करना है कि मुझे किस में लिया, बस ये 3 यूनिट्स चलती है, वैसे तो हम इन्हें यूनिट्स बोलते हैं। अब यूनिट में आपके क्वाड्रेंट डिपेंड करता है कि यूनिट सेंटीमीटर में लेना चाह रहे हो या मीटर के लिए चाहिए, ज्यादातर हम लोग सेंटीमीटर को लेकर चलते हैं, मोस्टली क्या यूज करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में यूज करेंगे इन चीजों को, ठीक है। ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ओके। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस हमने लगा भी रखे, देखिए समझे मेरी बात को, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको, भाई यही तो समझाती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको क्या पता है परपेंडिकुलर पता है कितना है 2 का स्क्वायर, आपको बेस पता है कितना है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, तो ये आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13। इट मींस हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 13 कितनी आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 13, यानी इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दो सर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हम दोनों को नहीं दोनों को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये रूट 13 है, क्या है ये रूट 13 जिसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। अब बात समझो, ये तो है रूट 13 पर नंबर लाइन होती है ये वाली,
इस पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ध्यान देना इस पॉइंट का। तो आई होप स्टेप नंबर वन क्लियर, स्टेप नंबर टू भी क्लियर कि ए को हॉरिजॉन्टल, बी को वर्टिकल बनाना है। पर बी वर्टिकल तब बनेगा जब 90 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देना। तीसरा पॉइंट था स्टेप नंबर 30, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। सिर्फ क्या यूज करनी है? पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला लगाना है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एज इट इज चिपका देना, रूट 30 निकल कर आ जाएगी है, इसको हमने इसे ज्वाइन कर देना। अब जो स्टेप नंबर 4 था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे। ओ को एज ए सेंटर, मैंने सेंटर ट्रीट किया, यानी मैंने अपने कंपास की निप यहाँ पे यूज की, ठीक है, एज ए सेंटर ट्रीट कर रहा हूँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक बी तक की अपने कंपास में डिस्टेंस ले ली, यानी ओ से बी तक की कंपास में डिस्टेंस ली, इसको हमने बोल दिया रेडियस। क्या बोल दिया हमने इसको? रेडियस, यानी ओ बी इज द रेडियस। रेडियस लेते हुए हमने एक आर्क लगाया आगे की तरफ, ये लगा दिया आर्क इस तरह से भाई, यहां से तक कंपास रखेंगे अपना इस पे, ठीक है ना। और यहां पर रखते हुए ओबी तक की एज ए सेंटर की डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे और इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, और इसको ये जो लाइन है इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना। ये जो तुमने आगे की तरफ एक्सटेंड की है, ये यहां से और जो पॉइंट यहां तक आया इसे सी पॉइंट बोल देना। यही पॉइंट होगा आपके पास रूट 13 का ऑन द नंबर लाइन। आई होप यहां तक मेरी बात अब आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। ओके गाइस, तो ये था रूट 13 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, इसको है ना अलग से बनाना। मैंने तो इसी में एक फॉर्मेट में आपको डिजाइन करके दे दिया है, ठीक है ना, यानी आपको बनाना किस तरह से मैं और बताया। तो इसको तो मैंने स्टेप सेकंड में कंप्लीट कर दिया, बल्कि ये स्टेप फोर्थ में कंप्लीट होगा। कैसे होगा? स्टेप फोर्थ में आप यहाँ स्टेप फोर्थ बोलते ना, मेरे पे स्पेस की थोड़ी कमी है, लैक ऑफ स्पेस है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ये आपने 3 सेंटीमीटर का बनाया था आपने यहाँ पे, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया था, आपने इसको साथ इसको ज्वाइन कर दिया है। ये आपके पास है यहाँ ओ पॉइंट, ये है आपके पास ए पॉइंट, ये आपके पास है बी पॉइंट, ठीक है ना। ओ को ये सेंटर ट्रीट किया, बी तक की कंपास में डिस्टेंस ली और इसको इस तरह से आगे तक का आर्क लगा दिया रेडियस बनाते हुए, और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो ये लाइन बनेगी रूट 13 की। ये था स्टेप फोर्थ आपके पास, जिसको मैंने स्टेप सेकंड में क्लियर करा दिया। तो आपको यही करना है, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आई होप ये मेरी बात आपको अब अच्छे से समझ में आई होगी गाइस। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, उसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी। देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है, लोकेट करना है रूट 2 को नंबर लाइन पर। अब रूट 2 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि भाई सबसे पहले से रूट से फ्री गिरा, क्या फ्री, उसके बाद इस नंबर को हमें दो नंबरों के स्क्वायर से ब्रेक करना। मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां तक बात क्लियर होगी। यहां पे ए की वैल्यू भी कितनी है 1 और बी की वैल्यू भी कितनी है 1। और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब मैं स्टेप पढ़ा था वहां पे इक्वल टू बी, यानी यहां पे अब ए क्या है, बी के इक्वल है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि याद कीजिए स्टेप का प्रोसीजर, देखिए ये रहा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये जो साइन नीचे लगा हुआ है ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वलिटी को। यानी इसका मतलब जैसे ये लगा होता है ना साइन, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये जो पॉइंट होता है इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये ए की वैल्यू जो है बी से ग्रेटर भी है और उसके इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल मतलब इस तरह से, पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? तो ये इक्वल को भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन ही आए, ए इक्वल भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये बात समझा रहता स्टेप फर्स्ट, तो आपको ये समझाएगा स्टेप फर्स्ट में कि सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट में क्या लेके चलेंगे, इसे जो नंबर दिया गया उसे रूट से फ्री करेंगे और उसको कोई भी एनी टू नंबर्स आपको सोचना पड़ेगा, एनी टू नंबर्स हमें कैसे लेने, कोई भी दो नंबर के स्क्वायर करेंगे और उसका सम वही नंबर आना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करोगे तो 2 ही तो आएगा, आगे बसंत में। तो यहां पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 आ गई। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहा गया था आपको, स्टेप नंबर 2 में आप ए दोनों क्योंकि सेम ही है तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर लो। वैसे हमने ये बताया था कि ए रिप्रेजेंट होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और बी रिप्रेजेंट होगा वर्टिकल। वर्टिकल रिप्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये है आपके पास बी पॉइंट, ये हो गया आपके पास ए पॉइंट, ये हो गया आपके पास यहाँ से तक का 1, ये भी 1 हो गया आपके पास, ये भी 1 हो गया, ठीक है। यहां तक बातें। अब आपको स्टेप नंबर 3 क्या करना था, समझेंगे अब स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर थ्री आपके पास ये था गाइस कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। पाइथा क्या कहती है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर ये था क्योंकि आपने 90 डिग्री का एंगल बना के उसमें 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लिया है। परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 आ गई, रूट 2। अब यानी इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए तो ये क्या है आपके पास, रूट 2 है। पर ये रूट 2 का हमें नंबर लाइन चाहिए और नंबर लाइन ये होती है, ये वाली लाइन होती है जो ओ ए वाली लाइन है वो नंबर लाइन होगी आपके पास, ठीक है यहां तक बात। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहा गया था आपको, स्टेप नंबर 4 में हमें ये समझाया गया था कि भाई जो भी आपने बनाया है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ओ ए 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन बना के आपने 1 सेंटीमीटर का आर्क यहां पे कट किया था, ठीक है, और इसको आपने इसके साथ ज्वाइन किया, इसे बी पॉइंट। अब आपको करना है फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे, यहां कंपास रखेंगे और बी तक के डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे, लिली कंपास में डिस्टेंस, और एक आर्क इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देंगे उसी में, क्योंकि जो पेंसिल की निप होगी वो यहीं से आगे की तरफ मूव कर जाएगी इस तरह से सर्कल के रूप में, और इसके आगे तरफ एक्सटेंड कर देंगे। जब इसे आप एक्सटेंड करेंगे ये पॉइंट बनेगा सी, तो यहां से और यहां तक की जो लाइन बनेगी नंबर लाइन पर हम किसको रिप्रेजेंट कर चुके होंगे, रूट 2 को रिप्रेजेंट कर चुके होंगे। ओके गाइस, तो आई होप अब मेरी बात आपको अब अच्छे से क्लियर होगी होगी कि हमें नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट किया जाता है, क्या उसका मेथड होता है, ये पॉइंट अब आप अच्छे से सीख गए होंगे। देखिए गाइस, इसी क्वेश्चन में यदि वो आपसे इन्हीं क्वेश्चनों में रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इनके क्वेश्चन पूछ रहे थे लोकेट करने के लिए, तो आप कैसे लोकेट करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखने, मैंने उसमें बताया था आपको भी ध्यान है, मैंने कहा था नेचुरल नंबर्स लेता है, जरूरी नहीं है नेचुरल हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है नेचुरल हो, ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे रूट 3 को लोकेट करना होगा, तो लोकेट करने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूट 3 का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है रूट 3, रूट 3 को समझो कैसे करते हैं। रूट 2 का क्लियर हो गया, क्योंकि रूट 2 का क्लियर होने के बाद ही रूट 3 का बनाया जा सकता है, इससे पहले नहीं रिप्रेजेंट किया जाने का, ठीक है ना, तो ध्यान से समझेंगे रूट 2 को भाई लोकेट किया मैंने, रूट 3 को ध्यान से समझिए, मैं रूट 3 को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब रूट 3 को मैंने क्या किया, 3 को रूट 3 है, पेयर रूट से फ्री किया, 3 लिखा। अब 3 को ऐसे दो नंबर के स्क्वायर के सम में लिखना है, अब दो नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, क्या मैं इसे रूट 2 का स्क्वायर लिख दूं, जब मैं इसे रूट 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो आएगा कितना 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। यहां तक बात क्लियर होगी नहीं होगी मेरी, ठीक है ना, ये रूट 2 ही क्यों हुआ, क्योंकि बेटे 3 को और किसी नंबर के अकॉर्डिंग में इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे मुझे रूट 2 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को ऐड करके तभी 3 आ सकता है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ए की वैल्यू होगी रूट 2, बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट पार्ट है, पर इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बाकी सारी बातें क्लियर होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नंबर यहां आएगा उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, पर ये हॉरिजॉन्टल पर रिप्रेजेंट होगा और ये वर्टिकल पर रिप्रेजेंट होगा। अब बच्चों करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको पहले रूट 2 को डिजाइन करना होगा, किसको डिजाइन करना होगा, रूट 2 को, और आई होप आपने रूट 2 को डिजाइन कर रखा है अच्छे से, ठीक है ना। तो रूट 3 डिजाइन कैसे होगा, रूट 3 डिजाइन यहां से स्टार्ट होगा, अब कैसे, उसके लिए ए बन गया उसका हॉरिजॉन्टल ये वाला पार्ट, ध्यान देना इस चीज पे, पहले आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, रूट 2 को रिप्रेजेंट करना होगा स्टेप 4 तक, स्टेप 4 तक किसको रिप्रेजेंट करके चलना होगा, रूट 2 को, सेम एज इट इज जैसे मैंने लिख रखा है अभी, नो चेंज, रिक्वायरमेंट नहीं चेंज करने की, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन यहां से चेंज होगा, उसके लिए ए बन गया ये बन गया इसके लिए ए, ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये क्या बन गया इसके लिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है यहां तक बातें। अब यहां पर एज ए सेंटर लेंगे और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल,
ठीक है, 90 डिग्री का जब इस पे एंगल रिप्रेजेंट करोगे आप, तो जैसे आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। क्यों? बी चाहिए आपको। क्या चाहिए यहाँ पे? बी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आपको बी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपने क्या लगाया, यहाँ पे एक आर्क लगाया, ये वाला लगा दिया आर्क। कितने का लगाया? 1 का। कितने का लगाया? 1 सेंटीमीटर का लगा दिया, 1 सेंटीमीटर का आर्क। अब आपको करना क्या है, इसको कोई भी नेम दे दीजिए, हमने बी दे दिया, यहाँ पे डी दे दीजिए, कोई भी नेम दे दीजिए, डी दे दिया। अब आपको करना क्या है, ओ को डी के साथ ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ओ को डी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा रूट थ्री। क्या बनेगा यहाँ पे? रूट थ्री। पर आपको किस पे चाहिए? लाइन पर चाहिए, नीचे चाहिए ना आपको, तो लाइन पर। तो क्या करना, ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे, डी तक की डिस्टेंस कंपास में फिल करेंगे और एक आर्क इस तरह से लगा देंगे। लगा दिया आर्क नीचे, और इसको आगे तरफ एक्सटेंड कर देना। तो ये जो लाइन बन के आई है यहां तक की, इस लाइन को बोलेंगे रूट थ्री। क्या बोलोगे यहां पे से? रूट थ्री। आगे समझ में? बस इसमें काम बढ़ गया आपको। पहले तो आपने स्टेप थ्री में हाइपोटेनस लेके चला, पाइथागोरस थ्योरम में रूट टू को दिखा दिया, ठीक है। अब जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, स्टेप फोर में इसे इंक्लूड कर देंगे। क्या समझिए? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना लिया भाई आपने? रूट टू का स्क्वायर लिया। तो रूट टू का स्क्वायर तो कितना हो गया? 1 प्लस रूट टू यानी 3, सॉरी रूट टू का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 हो गया 3। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट 3। तो आई होप आपको यहां तक बात मेरी अच्छे से क्लियर होगी होगी। ओके गाइस, तो थोड़ा सा इसे लॉजिकल समझना जरूरी था इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने आपको कराया। ये ध्यान रखना, जब भी लोकेट आ जाए रूट थ्री करने के लिए, तो सबसे पहले आप रूट टू को लोकेट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रूट टू को। जैसे ही आप रूट टू को लोकेट कर दोगे तो थ्री, यानी जो रूट थ्री है उसको रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैंने 3 को ब्रेक तो कर दिया, रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया। पर सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 2 में रूट टू को लोकेट करके चलूंगा। पहले रूट टू को लोकेट किया स्टेप 4 तक, स्टेप 4 में ही मैंने फिर चेंज किया। क्या करा कि यहां पे जो रूट टू बनाया था, इस रूट टू को तो बोल दिया मैंने ए, जो मैंने यहां लिखा था ए इज इक्वल टू रूट टू। बी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, बी बन गया मेरे पास। इसमें मैंने 90 डिग्री का एंगल कट, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लिया, ये कट कर लिया बेटा। और ओ को डी के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद क्या बन गया? रूट थ्री। पाइथागोरस थ्योरम ये तो कहते हैं कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहां से रूट थ्री निकल गया, यानी ये रूट थ्री आ गया आपके पास। अब आपने क्या कहा, ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे, कंपास यहां रखेंगे, डी तक की डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे और इस तरह से एक आर्क को आगे तक बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया, और ओ को सी तक क्या करेंगे, सॉरी ये डी पॉइंट बनेगा, ई पॉइंट बन जाएगा, इसे ई तक एक्सटेंड कर देंगे। कहां तक एक्सटेंड कर देंगे? ई पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे। जब इसे ई पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे तो ओ से ई तक की डिस्टेंस क्या बोली जाएगी? रूट थ्री बोली जाएगी। आई होप अब मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी गाइस, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि नंबर लाइन पर किस तरीके से हम लोग लोकेट किया जाता है इरेशनल नंबर्स को। एक एग्जांपल आपके लिए गाइस समझेंगे उस एग्जांपल्स को, देखिए उसको मैं डायरेक्टली कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स में कराऊंगा आपको, उसकी लैंग्वेज मैंने आपको सब कुछ बता दी है, तो डायरेक्ट सदी फटाफट स्पीड से समझेंगे। यदि मैं रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, पहले फाइव को फ्री कर लो रूट से, कर लिया, और उसे दो नंबर के सम में लिख लो, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5, कितना हो गया? ए कितना हो गया? 2। बी कितना हो गया? 1। थोड़ा स्पीड इसलिए समझा रहा हूँ, अब तुम्हें समझ में आ गया कि लैंग्वेज अब तुम समझ ही गए क्या क्या मैं करता हूँ, ठीक है ना। ए को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? हॉरिजॉन्टल। बी को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? वर्टिकल। वर्टिकल में पहले क्या बनाओगे? 90 डिग्री का एंगल। इसे क्या नेम दोगे? ओ, ठीक है। इसको क्या नेम दोगे? ए। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आर्क लगाते हुए इसे क्या नेम दे देंगे? बी, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना आ गया? 5, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई? रूट 5। तो यानी कितना आपके पास आ गया? रूट 5। अब आपको करना क्या है, ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करना है। सेंटर ट्रीट करते हैं, बी तक की डिस्टेंस हमने कंपास में लेंगे और एक आर्क ये लगा देंगे। और तो यहां से आता की डिस्टेंस क्या बन गया आपके पास? सी। तो यहां तक की डिस्टेंस को हम बोल देंगे रूट 5। दैट्स ऑल। देखा गाइस कितना इजी है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस प्रैक्टिस शीट को आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको ध्यान से समझना। ओके गाइस, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।